नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आप सबकी चहेती प्रिया और आप देख रहे हैं मनीष रावत द कॉमेडियन कॉमेडी चैनल। तो आप सबका स्वागत है। चलिए आज मनीष जी से कुछ बातें और कुछ प्रश्न करते हैं। आई प्रिया, ए बार हम जो चीज सुनाई बिल्कुल खाटी भोजपुरी। अरे वाह, नेतन का तू आवाज सुन ले हुई प्रिया। हाँ। लेकिन एदवा पारी नेता अगर भोजपुरी में बोलिया तो कैसे बोलिए? नरेंद्र मोदी जी और उनका लोगों का एक भोजपुरी का फेवरेट गाना भी हो। अब कौनो पत्रकार जाए कि नरेंद्र मोदी जी से पूछना कि मोदी जी आपका पसंदीदा गाना का भोजपुरी के आप कैसे प्रमोट करवा मोदी जी। भाई बहना, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, ये जो भोजपुरी समाज है, ये जो भोजपुरी के गाने हैं, आप इनको क्यों नहीं सुनते? मोदी जी, आपका कोई पसंदीदा भोजपुरी गाना हो तो आप उसको सुनाइए। भाई बहनों, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप भोजपुरी को प्रमोट करते हैं, भोजपुरी के गाने आते हैं, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगर रात को दिया नहीं बुतेगा भाई बहनों, बरसात का समय होगा और जब पाखी आएगा तो खाना कौन बचाएगा? और लोगों ने कहा अगर एक लाइन आपको गुनगुनानी हो प्रिया जी, तो आप क्या गुनगुनाएंगे? भाई बहनों, मेरा तो वही पसंदीदा गाना है, जाताना परदेश बलमुआ हमके घर में छोड़ के, तनी जाए से पहले खाना ओठ लाली से रोटी बोर के। मनीष जी एक मिनट, मैं इस पर पूछना चाहती हूँ कुछ। ये ओठलाली से बोर की रोटी मतलब क्या, सब्जी दाल नहीं मिल रही? प्रिया, आपका प्रश्न है जो बिल्कुल वाजिब है, तो इसके पीछे जो रीजन है वो भी मोदी जी बता रहे हैं। भाई बहनों, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। अगर कभी भी हमारे यहाँ अकाल पड़ता है, कभी भी सूखा पड़ता है, जब हमारे यहाँ फसल नहीं होगी तो हम ओठलाली से लिट्टी खा के जिंदा रह लेंगे भाई बहन। वाह 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 वाह, क्या बात कही। तो प्रिया जी, अभी आप बैठी हुई हैं, तो देखिए कलाकार के अंदर भी पता नहीं क्या चलता रहता, जब तक उगल न दे तब तक मानता नहीं। हाँ, ये तो है। तो अभी लालू जी आ गए और भोजपुरी को प्रमोट कर रहे हैं। लालू जी, आप प्रिया बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, एकदम टीम टाइम है, बहुत सुंदर है। लालू जी, आपका सबसे पसंदीदा गाना? हमारा पसंदीदा गाना है, बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत बढ़िया गाना है। आज तो बम्बई में बड़ा राजा जानी बट आज जवानी मरा जा रहा था। सर, बम्बई में जवानी जरे आप तो, हम भी गाना गाता हूँ, तू तो सेंट्रल जेल में बड़ा राजा जानी, तो कारागार में राजा जानी आज जवानी मरा सुखवान पड़ा था बट। ये उनका अंदाज है। तो प्रिया, अभी आगे अगली कड़ी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इनको युवा हृदय सम्राट भी लोग कहते हैं, अखिलेश यादव जी, उनका भी अलग अंदाज है भोजपुरी को लेकर के, क्योंकि भोजपुरी को ये सभी नेता बहुत मानते हैं। अखिलेश यादव जी, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं, भोजपुरी गानों में क्या गड़बड़ी है? मैं आप सभी का सपोर्ट चाहूंगा। ये सिंगर बनने के पहले भी भोजपुरी को नहीं जानते थे और आज भी नहीं जानते हैं। सर, आपका पसंदीदा गाना? मेरा तो वही सबसे पसंदीदा गाना है भोजपुरी का। कौन सा? शैया लड़का नियन सूत जाले कोरा में और दिया के अजोरा में ना। ये उनका एक्सप्रेशन होगा, अंदाज होगा। अभी इसी कड़ी में आप एक ऐसे पॉलिटिशियंस को बुला लीजिए जिसको भोजपुरी का दूर दूर से कोई नाता नहीं है, मनमोहन सिंह जी, लेकिन वो भी भोजपुरी को बड़ा प्यार कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी, सर एक ऐसा समाज है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बजाय इसके लोग उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, ये वो कमेंट मिल रहा है। मनमोहन सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी लाइन के बारे में? वर्ल्ड टाइप ऑफ माय इंडियन बॉय, मैं तो यही कहना चाहूंगा, मरा तभी बच्चा बा। क्या बात कर रहे हैं सर, आप अभी भी आप बच्चे हैं, आप तो बुजुर्ग हैं। मैं दिल से बच्चा हूँ। इनके पीछे ये बहुत ही मिजाजी नेता माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी चले आए, उनका क्या एक्सप्रेशन होगा? सर नमस्कार, प्रणाम, आप भोजपुरी को किस रूप में देखते हैं?
भोजपुरी को आप कितना पसंद करते हैं, तो माननीय राजनाथ सिंह जी का क्या एक्सप्रेशन होगा प्रिया यहाँ पे? बड़े एक अपने आप में उनकी ख्याति है, अपना एक स्टारडम है पॉलिटिक्स जगत में, और सीरियस रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जब भोजपुरी को प्रमोट करेंगे तो किस तरह के तरह से प्रमोट करेंगे? माननीय नरेंद्र भाई जी के, मोदी जी के नेतृत्व में माननीय सभापति महोदया जी, आपने जो काम किया है और मैं आप सभी के साथ हूँ और भारतीय जनता पार्टी जो है काम कर रही है। सर ये सब छोड़िए, अपना पसंदीदा गाना। मेरा तो वही पसंदीदा गाना है जो सभी लोग बहुत गाते हैं, वानी हम नहलिया शैम्पू से और आवत आने सैया सके टेम्पू से। ठीक है सर, कोई बात नहीं, टेम्पू से मंगा लेते हैं। इसके पश्चात एक ऐसे आर्टिस्ट, आप उनको आर्टिस्ट ही कह लीजिए, वो पॉलिटिक्स जगत के आर्टिस्ट हैं, वो रूप बदलते हैं, रंग बदलते हैं, कभी गरीब की झोपड़ी में भोजन करते हैं और कभी घूमते चलते हैं। माननीय राहुल गांधी जी, उनका मिजाज कुछ अलग है, वो आरोप प्रत्यारोप का जमाना। देखिए भैया, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा भैया, इन्होंने हमेरा हमेशा हमारे साथ ऐसा वैसा व्यवहार किया है। आपने तो इन्होंने अच्छा अच्छा गाना गाया भैया, लेकिन हमको तो बड़ा गड़बड़ गाना दे दिया। कौन सा गाना दे दिया? रतिया नरिया में रहली ना अजोरिया, कैसे धराएगी लपप्पू। सर यहाँ पे नीरव है, हमको लपप्पू बोलते से मैं पप्पू बोलूंगा भैया। बोले ठीक है, ये भी चलेगा। इसके बाद एक ऐसी छवि के नेता प्रिया, जिनको लोग अजय एंग्री यंग मैन की भूमिका कहे, हालांकि वो मंग्स है, साधु है, लेकिन उनकी जो भूमिका है वो कुछ अलग है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका एक मिजाज है, हालांकि वर्तमान समय में आपको दिख रहा होगा मैं उनसे कुछ मैच कर रहा हूँ जो है। हाँ, मैं मैच कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको ही कॉपी किया है अभी। अभी मैं कह सकता हूँ, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं कह सकता हूँ मैंने कॉपी किया है। जी तो यू आर इम्प्रेस। तो अभी योगी जी आ गए जो है, और लोगों ने पूछा, हेलो नमस्कार योगी जी, आप भोजपुरी समाज के लोगों के बारे में क्या करना चाहेंगे? अब योगी जी, देखिए जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरी बहन ने मुझको प्रथम दृष्टया अक्षर का ज्ञान करवाया था। मैंने जो भोजपुरी गाने हैं मुझे काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन इसमें जो बातें हैं वो कंडीशनल हैं। सर क्या है? मुझे तो वही गाना अच्छा लगता है, मैं मुख्यमंत्री नहीं था, मैं एक साधु हूँ, एक सन्यासी हूँ, लेकिन मैं वो गाना सुनता था। कौन सा? खेले खातिर खेला तैयार रहलू, पियवा से पहले हवार रहलू। क्या सर आप भी कौन सा गाना गा रहे हैं? मतलब सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भोजपुरी को लाइक कर रहे हैं। और चलते चलते, क्योंकि सभी बने पॉलिटिशियंस की आवाज आपको सुनाई, क्योंकि विदाउट कैमरा विदाउट माइक्रोफोन और कुछ ऐसे करने का कुछ वो होता है, लाइव हम लोग कर रहे हैं, बस दोस्त दर्शकों के मनोरंजन के लिए कर रहा हूँ। तो फाइनली एक ऐसे कलाकार को लाते हैं जो बिल्कुल अपने आप में हिंदी में एक सुपरस्टार की भूमिका में है, अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी भोजपुरी जगत में आए और अपनी भैंस को लेकर के एक जगह पे खड़े कर दिए हैं। भैंस चल रही किसी की खेत में चली गई तो अमित जी किस तरह से उसको हाँकेंगे, क्या उनका प्रतिक्रिया होगी, मैं इससे समापन करूंगा। ये भी भोजपुरी में है। और मेरी मखड़ा और मेरी सड़ी है मेड़ा पे चरिए। अरे ये आए बोले बाबू जी, ये जब तार भाई सो आए आई ललकी सारी तधर जाता। उधर की के तधर रास्ता ना मिले तो आए। आज हमारे पास बंगला बैन बस है, प्रॉपर्टी गाड़ी है, चार छिमे के भाई सो तेरे पास कहाँ आए। वेरी नाइस, सच में मुझे इतना एंजॉय कर रही हूँ मैं ना, तो दर्शक कितना कर रहे हैं। थैंक यू। मनीष जी, मैं चाहती हूँ कि कुछ आप गुनगुनाएं। ये तो काफी क्रिटिकल है हमारे दर्शकों के लिए कुछ। बिल्कुल, क्योंकि अभी भोजपुरी की बात चल रही है तो अभी आप लोग जानते हैं कि हमारा सुपरस्टार जिसको अभी दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड भी मिला, तो अभी हम शान से कहते हैं कि हम लोग भोजपुरी वाले हैं। तो सुपरस्टार खेसारी जी का एक गाना है, तो मैं उसको दो लाइन शायद जैसा भी गाता अपने दर्शकों के लिए मैं गुनगुना चाहूंगा। हर पिया परदेसी भाईले देबारू नरे लगाड़ी धाईले, पिया परदेसी भाईले देबारू नरे लगाड़ी धाईले, तसे जपरसाहिले रोजे गदनावा
नहसा जनावाईले हो तसे जपरा सहिले रोजे गदनावा नहसा जनावाईले हो हर पिया खेसारी तू बड़ाया नाड़ी रखेला हमसे दूरी हो अरे लभयु बोला तहर दम हथवा के मुरा चूड़ी हो तपिया पिया कहला कंगनावा ना सजनावा यहीले हो तसे जपर रहिले उदास सजनावा ना सजनावा यहीले हो। वाओ सुपर बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप मेरे दर्शक बहुत ही एंजॉय किए होंगे। राउर सबसे निवेदन बा कि हमरा चैनल के लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी और ऐसे ही नया नया कॉमेडी देखल करी, एंजॉय करल करी। बाय।